Hello, Namaskar, this is Simran Singh. Welcome to NCERT's live interaction. You all are watching us on PM eVidya channel number 10, or you might also connect with us through our YouTube channel that you all are well aware of. It is NCERT official. It's around 2 p.m. on your watch, and here we have brought a session of mathematics for class 10th for all our students, and today we'll discuss about statistics part 1. Now, I understand that statistics is not very easy to understand, and to comprehend it and make it more conducive for all of you, we are also joined by an expert. Let me introduce her to you. We have with us Ms. Savita Graak. Namaskar, ma'am. जी नमस्कार सिमरन, वेलकम टू एनसीईआरटी. प्यारा सा नमस्कार हमारे व्यूअर्स को. जी जी, मैम इज फ्रॉम गीता निकेतन, करंटली सर्विंग एज आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड, हैज जॉइंड इन फ्रॉम कुरुक्षेत्र. व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस, फील फ्री टू रीच आउट टू अस एट दिस मेल आईडी दैट इज देयर ऑन योर स्क्रीन. इट इज dth.class10@cit.nic.in. Apart from that, we also have our contact number for all of you. It is 8800-440-559. So throughout our session, if you have any of the queries, feel free to call us at this number, or either you can also write to us at our mail ID. So Ms. Savita, as we are going to discuss about statistics part 1, so why not start with a very basic introduction? Is it the very first time that class 10 students are being introduced to this topic? जी सविता मैम. जी सिमरन, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड इट इज स्टेटिस्टिक्स. तो जैसे कि आपने पहले ही बोला कि इट इज़ नॉट दैट मच इजी टॉपिक, सो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, इट इज़ नॉट दैट मच टफ एज वेल. रीजन बीइंग, स्टैट बच्चे देखते हैं, सीखते हैं अपने आस पास से ही. अभी थोड़ा सा हम विजुअलाइजेशन में ही क्रिकेट ग्राउंड पर और क्रिकेट मैच पर चले जाते हैं. तो जब क्रिकेट मैच ग्राउंड पर चल रहा है, साइड बाय साइड जब हम अपने टीवी पर बैठकर उसे देखते हैं मैच को, तो एक ग्राफ बीच में आता है. सो स्कोर बाय टीम ए, स्कोर बाय टीम बी इन द फिफ्थ, आफ्टर फिफ्थ, आफ्टर फिफ्थ ओवर, देन आफ्टर टेंथ ओवर, देन आफ्टर फिफ्टींथ ओवर. तो उस स्कोर को देखते हुए हम बहुत अच्छे से, हमारा एक छोटा सा बच्चा क्लास सिक्स सेवन्थ का भी जज कर लेता है, और वो बोलता है कि 30th ओवर के बाद ये वाली टीम डाउन गई है. 30th ओवर से पहले इस टीम ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी, इस टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट अभी वन बाय वन वो दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स इन दैट ग्राफ कि हाँ वो आउट, विकेट्स जो हैं वो जल्दी गिर गई हैं, आउट जल्दी हो गए हैं कुछ प्लेयर्स. तो वो क्या है, वो स्टेटिस्टिक्स ही है. सो बेसिकली अगर हम स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, तो द डेफिनेशन इज हियर ऑन आवर स्क्रीन. स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डेटा ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन. सो लेट अस थिंक अबाउट दीज फोर पॉइंट्स बेसिकली, द कलेक्शन ऑफ डेटा, देन प्रिपेरेशन, देन एनालिसिस, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल डेटा. तो हम वन बाय वन एक बार इन चारों पॉइंट्स को बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें स्टैट है क्या इसके बारे में पता चले. तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे मान लीजिए हम किसी लोकेलिटी में रहते हैं, और अपनी लोकेलिटी में हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों के पास या कितने हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीकल्स हैं और फोर व्हीकल्स हैं. तो कितने हाउसेज में टू व्हीकल्स हैं, वेदर इट इज अ साइकिल और बाइक और स्कूटर व्हाटसोएवर. सो दैट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ डेटा. हमारा कोई भी स्टूडेंट, वेदर ही इज फ्रॉम क्लास 9th और 10th, अपनी लोकेलिटी के 20 हाउसेज को विजिट करता है, और वन टू वन पर्सन से पूछता है, येस हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर इन योर होम, देन ही कम्स टू द नेक्स्ट डोर और सेम क्वेश्चन वहां पर पूछता है. तो दिस इज नोन एज द कलेक्शन. उसके बाद है प्रिपेरेशन ऑफ डेटा, मीन्स उस डेटा को, जो डेटा हमारा बच्चा कलेक्ट करके लाया है, उसे किसी प्रॉपर ऑर्डर में जब वो अरेंज करता है, और अरेंज करने के बाद जब उस डेटा को देखेगा, दैट इज नोन एज एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करना. और एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, येस सो एंड सो हाउसेज में, या फाइव हाउसेज आर देयर जहाँ पर थ्री टू व्हीकल्स हैं, एंड टू हाउसेज आर देयर जहाँ पर एक भी व्हीकल नहीं है. तो इस तरह से जब हम कुछ इंटरप्रेट कर पाते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्टैट. तो स्टेटिक्स में जब हम बात करेंगे, डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर डेटा नहीं है तो स्टैट भी नहीं है.
अगर मैं बात कर रही थी अभी क्रिकेट मैच की, अगर मुझे पता है कि ग्राउंड पर पर्टिकुलर धोनी गए हैं और उन्होंने 53 रन स्कोर किए हैं, तो मुझे पता है, दैट इज द डेटा, कि यस आज के मैच में इतना स्कोर किया, किसी प्लेयर ने सेंचुरी लगाई, तो दिस इज नॉन एज डेटा. अब डेटा को अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी. सो डिफाइन करते हैं पहले इन दोनों टर्म्स को, प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा मीन्स वन टू वन आई एम कलेक्टिंग द डेटा माइसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वो चाहते हैं कि मुझे ज़रा पता चले, अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना टाइमिंग्स के बाद अभी 10th, 11th एंड 12th क्लासेस को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली है कि यस अभी ये बच्चे जो हैं ये स्कूल्स आ सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन. तो प्रिंसिपल वांट टू चेक करते हैं कि आज जो हमारे स्कूल में बच्चे आए हैं वो किस क्लास में कितनी परसेंटेज बच्चे प्रेजेंट हैं. तो वन वे इज द टीचर इज टेकिंग द राउंड, द प्रिंसिपल इज टेकिंग द राउंड इन द कैंपस. वो 10th B1 और 10th A और 10th B व्हाटसोएवर सेक्शंस आर देयर, उन क्लासेस में जा रहे हैं और खुद से देख रहे हैं, यस डियर चाइल्ड टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, यस देयर आर 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास ही इज हिमसेल्फ गोइंग एंड चेकिंग इट, देन इट इज नॉन एज प्राइमरी डेटा. बट इफ द प्रिंसिपल इज टीचिंग इन हिज ऑफिस और वहीं पर बैठकर वो बोलते हैं कि ओके, ही क्लिक द ऑन द बेल और पीएन आते हैं कि ब्रिंग whatsoever is the number of students present today, bring that list. तो अभी PM जाता है और वो list लाकर देता है जहाँ पर सभी class incharges ने fill किया है कि total students in my class कितने हैं और आज की date में present कितने हैं. So these are two ways of collecting the data. One is primary, one is secondary. कई बार primary data collect करना possible होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम primary data खुद से data collect कर ही नहीं पाते. For example, India's population in 2011 or in 2021, undoubtedly मैं अकेले कहीं 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 जाकर वो कलेक्ट नहीं करती एज अ सिंगल पर्सन. जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है हम उस डेटा को ही यूज करते हैं. सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की बात हमने डेप्थ में की. देन इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा, देन इट इज नॉन एज प्राइमरी डेटा. After this, let us directly come to measures of central tendency. So if I talk about measures of central tendency, there are many, as we can see here that yes, arithmetic mean, geometrical mean, harmonic mean, then median, then mode. These all are measures of central tendencies. But in our class 10, we will just study about these three, that means arithmetic mean, then we will try to calculate median and mode. ये तीनों चीज़ें हम अपनी class 10th में सीखेंगे. तो उनमें से भी सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, this is measures of central tendency में से arithmetic mean. सबसे पहले arithmetic mean यानी जो भी data हमें given है उस डेटा की हेल्प से व्हाट कैन बी द मिडिल मोस्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली. मान लीजिए 7 days के लिए पॉकेट मनी आपको आपके पेरेंट्स ने दी, ऑन एनी डे इट इज़ ₹15, ऑन एनी अदर डे इट इज़ ₹20-25, ऑन एनी डे इट इज़ ₹23, ऑन एनी डे इट इज़ जस्ट ₹5, ऑन एनी डे इट इज़ 7. सो वो वीक के 7 days पर जब हमें अलग अलग पॉकेट मनी मिल रही है और हम चेक करना चाहते हैं कि अगर डेली इक्वल पॉकेट मनी मिलती तो कितनी मिलती, तो क्या होगा, वी विल जस्ट ऐड ऑल ऑफ द पॉकेट मनी जो हमें कंप्लीट वीक में मिली है एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर हम वीक की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स 7 days. सो दिस विल बी नॉन एज अर्थमेटिक मीन. बट अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. ये वो फॉर्मूला है जो हमारे व्यूअर्स ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से कवर किया था. बट अगर हमारा डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, एक वीक का ना लेकर हम बोलते हैं 365 days में आपको जो पॉकेट मनी मिली है हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो व्हाट विल वी डू एट दैट टाइम, वी विल अरेंज आर डेटा इन द ग्रुप्ड फॉर्म. सो ग्रुप्ड फॉर्म में अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए देयर आर बेसिकली 3 methods. Of any grouped frequency distribution, the first is direct method, then we will discuss assumed mean method, and then we will discuss step deviation method. ये तीनों ही methods हम use करते हैं
अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट मेथड आउट ऑफ दीज थ्री. डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करेंगे सो दिस इज x बार इक्वल्स टू एफ वन इंटू एक्स वन प्लस एफ टू इंटू एक्स टू. तो आपको अभी देखने में लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस, ये एफ वन एक्स टू सब क्या है. तो लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये सभी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और एफ वन जो है वो इंडिकेट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स वन. मीन्स मान लीजिए आपको 5 रुपये पॉकेट मनी पूरे ईयर में 7 डेज मिली है तो आपके रुपी 5 को हम एक्स वन बोलेंगे एंड एफ वन विल बी दैट 7. फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज एफ वन एफ टू अप टू एफ एन. तो अगर हम इस फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं वी नो दैट कि मीन को हम जब प्रेजेंट करते हैं इट इज रिटन एज एक्स बार एंड इट कैन ऑल्सो बी री रिटन एज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. यहाँ पर दिस सिंबॉल सिग्मा दिस विल बी रिटन इन दिस वे इन योर बुक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन को. तो वेन वी आर राइटिंग एफ आई एक्स आई दैट मीन्स एफ वन एक्स वन टू एफ एन एक्स एन एंड वेन वी आर राइटिंग ओनली एफ वन एफ आई दैट मीन्स एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन मीन्स द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज. तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से ताकि हमारे व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए. इट इज 30 वीमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल पर मिनट हार्ट बीट 65 to 68 हार्ट बीट्स रहती हैं. ऐसी हैं 2 वीमेन सो 68 to 71 हार्ट बीट्स पर मिनट 4 women. So this thing is undoubtedly our frequency. And dear viewers, ये चीज हमारे पास present करती है class interval को. तो जब हम इस question को solve करेंगे, हमें question में पूछा गया है कि हमें mean heartbeat per minute निकालना है. Mean का मतलब क्या हुआ? Mean का मतलब है सीधे सीधे हमें arithmetic mean निकालना है. तो mean निकालने के लिए अभी जो formula हमने discuss किया that is sigma fi xi divided by sigma fi. So what we will do, we will first try to find xi. Dear viewers, इस question में आपको xi भी given नहीं है. xi क्या होगा? आपको class interval given है तो xi is undoubtedly the class mark. और class mark निकालने के लिए एक simple सा funda formula हमने अपनी class 9th में पढ़ा है, that is lower limit plus upper limit divided by 2. That means the middle most value of a particular class. जैसे यहाँ पर हमारे सामने है कि जो हार्ट बीट्स पर मिनट है 65 to 68 दिस इज द जी सविता मैम आई एम नॉट एबल टू हियर यू फर्स्ट क्लास. तो इस क्लास में है दैट इज 60 द क्लास मार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज 66.5 बिकॉज 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं वी विल बी एबल टू गेट 66.5. सिमिलरली नेक्स्ट विल बी 69.5 नेक्स्ट विल बी 72.5 ये 71 एंड 74 द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट क्लास दैट इज 76.5. सिमिलरली ओ नो नॉट 76.5 इट विल बी 75.5 then 77 and 80 the middle most value will be 78.5. so this is the method dear students. aapko sabse pehle class mark calculate karna hai aur uske liye formula yahi rehta hai that lower limit plus upper limit divided by 2. to abhi hamare paas fi hai we do have xi hame calculate karna hai fi into xi. तो सिंपल सी बात है ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम एवरी स्टेप पर x1 को मल्टीप्लाई करेंगे f1 से और मल्टीप्लाई करने पर यस 66 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स अस 132 सो 0.5 भी है दिस प्रोडक्ट विल बी 133. सिमिलरली 69.5 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 4 वी नो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं जैसे 69.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने थोड़ा सा टफ लग सकता है हमारे व्यूअर्स को
तो अब 69.5 के बहुत नियरेस्ट रहता है 70. तो 70 टाइम्स 4 280, और 280 में से 4 टाइम्स 0.5 माइनस करते हैं अगर हम, सो इट इज 278. सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज, इट विल बी 217.5, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 75 बाय 8, तो 75 टाइम्स जी सविता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? 8 इज गिविंग अस 600, इट इज गिविंग अस 4. तो सिमिलरली एम आई ऑडिबल देयर? या यू आर ऑडिबल, यू मे प्रोसीड. जी सिमिलर जी, तो बिल्कुल इस तरह से हमें अपना सारा डेटा मल्टीप्लाई कर लेना है, और हर स्टेप पर 1 to 1 जब हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस वैल्यू का एडिशन ही होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई. एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन हियर. हमें यहाँ पर डेटा गिवन है 30 वीमेन्स के लिए, सो दैट सम इज 30. तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू, येस वी आर गेटिंग हियर 549.5, एंड सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द अदर टू वैल्यूज. इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 30, एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर, और वी कैन से दैट दिस विल बी आर मीन. सो डियर व्यूअर्स, इतना हम जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें मीन कैलकुलेट करना है या मीडियम कैलकुलेट करना है या हम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, वी विल नॉट लीव दैट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. हम उसे फाइनल स्टेज तक सॉल्व करेंगे और हम उसे डेसिमल्स में कैलकुलेट करके लिखेंगे. सो अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. अब नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस यहां पर करने वाले हैं, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड. अब आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमने अभी किया थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, यस मल्टीप्लीकेशन है एंड दैट ऑल. तो अपने डेटा में मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज दिस एज्यूम्ड मीन मेथड. अगर एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं, सो फॉर्मूला फॉर दिस इज, नाम से समझ आ रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ ना कुछ हम मीन एज्यूम करेंगे. लेट मी से कि वो एज्यूम्ड मीन है ए. अब जरूरी तो नहीं है कि हमने जो मीन खुद से एज्यूम कर लिया, कि मान लेते हैं कि इस डेटा का मीन तो ये है और वही आंसर होगा, तो उस वेरिएशन को शो करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना है. वो क्या ऐड करना है, इट इज सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और ये डी आई क्या है, इट इज नथिंग एल्स देन एक्स आई माइनस ए. अब डियर व्यूअर्स देखिए, आपके पास डायरेक्ट मेथड वॉज दिस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. अगर हम इस क्वांटिटी को इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वी आर गेटिंग कि इन प्लेस ऑफ एक्स आई हमने डी आई यूज किया है, और डी आई की जो वैल्यू है दैट इज एक्स आई माइनस ए. तो एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फॉर दैट ओनली दिस ए हैज बीन एडिड ओवर हियर. So this is the way to learn this formula. And now let us discuss this same question, but this time we will not find fi into xi, but we will try to find di the first. Di means xi minus a. So let us see it. Class marks, we all know how to calculate. These are 72.5, then 75.5, then you have 78.5, then 81.5, and at last 84.5. Okay. अभी डी आई निकालना है. मैंने आपको बताया इट इज एक्स आई माइनस ए, जहां पर ए प्रेजेंट करता है एज्यूम्ड मीन को. तो ये एज्यूम्ड मीन कहां से एज्यूम करेंगे, अनडाउटेडली हम ये एज्यूम करेंगे एक्स आई क्लास मार्क्स से. इफ वी हैव ओड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स देन द मिडल मोस्ट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज ए. अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हमारे पास रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 8 क्लास इंटरवल्स होते, तो आप मिडल टू में से किसी भी एक वैल्यू को ए कंसिडर कर सकते हैं, फोर्थ और फिफ्थ. यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहेंगे डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप इस वैल्यू को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट को भी ए एज्यूम कर सकते हैं, बट हमें करनी है अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इजी, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि मिडल मोस्ट वैल्यू को ही ए हम एज्यूम करें. अब कैलकुलेट करते हैं डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए.
सो इट इज 66.5 माइनस 75.5. तो सिंपली 66.5 में से 75.5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी पीपल आर गेटिंग नेगेटिव 9. एट द नेक्स्ट स्टेप 69.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 75.5. बिकॉज डी आई इज एक्स आई माइनस ए. एट द फर्स्ट स्टेप एक्स वन में से हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन एक्स टू माइनस ए, देन एक्स थ्री माइनस ए, देन ए माइनस ए, देन एक्स फोर और एक्स फाइव माइनस ए, देन एक्स सिक्स माइनस ए, एक्स सेवन माइनस ए. अभी क्या हुआ, हमें कैलकुलेट करना है एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस सिग्मा FIDI. तो FIDI तो कैलकुलेट करना ही है. हमारे पास फॉर्मूला में से A की वैल्यू है विच इज 75.5. वी डू हैव सिग्मा F विच इज 30, द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. हमें कैलकुलेट करना है FI इंटू DI. तो अभी ये मल्टीप्लीकेशन कितनी इजी हो गई, हमने सेम क्वेश्चन को ही दोनों मेथड से सॉल्व किया. इट इज नेगेटिव 18, देन नेगेटिव 24, then negative 9, see, 2 times negative 9, 4 times negative 6 is negative 24, then 8 times 0 becomes 0, then 7 threes are 21, then 4 times 6 is 24, and 2 times 8 is 18. Now it is becoming more easier. अभी जब हमें सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑल द पॉजिटिव क्वांटिटीज विल बी एडेड एंड ऑल द नेगेटिव विल बी एडेड सेपरेटली, और फाइनली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ रहा है 12. सो आवर आंसर इज 75.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 30, दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सो कैलकुलेशन जब करनी है हम भूलेंगे नहीं, हमें 12 को 30 से डिवाइड करना है. We are getting that here, yeah, it is 4 upon 10. That means it is 75.5 plus 0.4 and your final mean is 75.9. So I hope ये दोनों methods हमारे viewers को अच्छे से समझ आ गए होंगे. अभी इसी के साथ हम next method की तरफ proceed करते हैं, that is step deviation method. तो step deviation method की जब हम बात करते हैं, That is simply, और भी ज्यादा अपने क्वेश्चन को इजी बना लेंगे. हम अभी एच आई कैलकुलेट करेंगे. देखते हैं पहले हम फॉर्मूला है क्या. तो मीन निकालने के लिए बाई स्टेप डेविएशन हमारा जो मेथड है, अभी भी मीन एज्यूम करना है, लेकिन इस बार हम क्लास साइज से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. और जहां पर ये यू आई जो है ये किस चीज को शो करता है, देखो हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड और इस मेथड में ये डिफरेंस है, यहाँ एच यानी कि क्लास मार्क एक्स्ट्रा, क्लास साइज एक्स्ट्रा आ रहा है. तो यू आई की भी जो वैल्यू है वो उसको बैलेंस करने वाली है, दैट इज डी आई डिवाइडेड बाय एच. और हमें पता है डी आई की वैल्यू थी एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए को एच से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया. वी आर गेटिंग दिस एज यू आई एंड एच इज मल्टीप्लाइड हियर इन द फॉर्मूला. ऑल राइट, सो सिंपली क्या करेंगे, जैसा अभी तक कर रहे थे 66.5, 69.5, देन 72.5. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द वैल्यूज हियर नाउ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट यू आई विच इज न्यू टू अस. यस, अनडाउटेडली हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज 75.5. सो 66.5 माइनस 75.5, इट इज अगेन माइनस 9, बट हमें इसे डिवाइड करना है बाय एच, और एच होता है हमारा क्लास साइज, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हम ये भूलेंगे नहीं, क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 68 माइनस 65 इज 3. अभी हमारा कैलकुलेशन में नेगेटिव 3 इज देयर. नेक्स्ट स्टेप विल बी नेगेटिव 2, देन नेगेटिव 1. यू विल बी गेटिंग दिस ऑल वेरी इजीली. और आफ्टर दिस एफ आई एंड यू आई विल बी मल्टीप्लाई, means 2 times negative 3, then 4 times negative 2, then 3 times negative 1 and so on. On multiplication, we will be getting all the values from the group fi, ui and their sum will be written as sigma fi, ui. So we will put all these values here, dear viewers.
In place of A, the value of A will be there. In place of H, the class size, that means 3 will be written. Then sigma fi ui, its value, then 30. And on calculation, you will be able to get your final answer. So we have discussed all three methods for calculating mean. And now we are discussing one more question. So ma'am, we will try to make it the last question of our session, as we are just left by the last 4 minutes. Right, Simran, we will sum up here only after discussing this question. All right. And what is there in this question? Let us discuss that. In this question, we have been given the mean. Still, we will use the same formulas as we have done earlier. But in this question, mean is already given to us. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए मीन कैलकुलेट करना था अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे थे अभी पहले से बोल दिया गया है कि मीन इज गिवन टू बी 188 और हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है F1 एंड F2 की तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया Fi इज देयर लेट अस कैलकुलेट Xi व्हिच इज द क्लास मार्क ऑफ 140 एंड 160 150 इसी तरह से हम बाकी सभी क्लास मार्क्स भी निकाल लेंगे 180 एंड 200 द क्लास मार्क विल बी 190 देन इट विल बी 210 एंड एट लास्ट इट विल बी 230 xi निकालने के बाद हमें निकालना है fi इनटू xi डियर व्यूअर्स हम देख लेते हैं ये दो फ्रीक्वेंसीज इस बार हिडन हैं हमें नहीं बताया गया f1 और f2 की वैल्यू क्या है हमें खुद कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी F1 एंड व्हाट विल बी F2 सो लेट अस सी कि सिग्मा Fi क्या है हमें बोला जा रहा है द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज सो फैमिलीज 100 है दैट मींस सिग्मा Fi की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 100 लेकिन हम अपने क्वेश्चन से कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करते हैं 5 + 25 + 5 व्हिच इज 35 + F1 + F2 That is why we find here the first equation, which is F1 plus F2 equals 65. Let it be our equation number one. एक टास्क हो गया F1 और F2 की वैल्यू निकालनी थी हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का सम जो है दैट इज 65. अब अगर हमें इन दोनों में से एक भी वैल्यू मिल जाती है तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड सिग्मा Fi xi. For that, fi will be multiplied by xi. We are getting it 750. Then we will multiply 17 and 25. It will be 0.